आज के दिन ही तुझे टॉनिक दूंगी, शनि तेरे पर आज उतारू मैं। सारा दिन इस लड़की ने रोना है, सारा दिन रोना है। करी कराए बाप ने जिद जिद वाली बना दी ना। यो गाइस वेलकम टू एन साउंड धीरे। यो गाइस वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज तेरा तो कुछ ना बने, जिस हिसाब से तू दिल के दौरे बढ़ाता है ना, तेरा तो कुछ ना बने। वीडियो आज अभी तक लाइट गई हुई है और मैं अभी जा रहा हूँ अपने फोन को रिपेयर करने के लिए देने, क्योंकि ये अपने आप ही टच होता है, अपने आप ही टच होता रहता है और इससे कुछ नहीं हो पाता। मतलब पहले थोड़ा कम दिक्कत थी, अब थोड़ी ज्यादा दिक्कत है। किसी को कॉल मिलाओ अपने आप टच होता है, अपने आप होल्ड पे जाता है और अब तो बाकी के काम भी नहीं होने, मतलब नहीं हो पा रहे हैं। और ये रो रही है और मैं निकलता हूँ। मैं इसको कैसे लेके जाऊंगा यार, नेहरू विहार मेरे को बड़ी सड़क पे जाना है। नासूर भगवान तूने मेरी किस्मत में ही दे रखे हैं नासूर लोग। अगेन आज मस्त माहौल है, मस्त माहौल में जीने गए। तो यहाँ लगा है जाम, तो मैं मुड़ गया, तो मैं पीछे मुड़ गया हूँ क्योंकि जाम बहुत ज्यादा है यहाँ पे। यहाँ पे तो फंस जाऊंगा मैं, बहुत लंबा तगड़ा बस फंस गई थी। और बदले में मेरे को मनोज जी ने ये वाला फोन दे दिया, तो मैं फिलहाल इसे चलाऊंगा मतलब 2-4 घंटे के लिए। और क्या चलाऊंगा, क्या कोई कॉल वॉल आ जाए तो उसके लिए। बाकी फोन दे दिया, अब चलते हैं घर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज बरसात आने वाली है बहुत तेज, क्योंकि आसमान में बादल छाए हुए हैं। ये ले हेलमेट, ले। लाइट के खंभे पे चढ़े हुए हैं। कितने बजे तक आई, पूछा नहीं होगा तुमने। आएगी तो भाई 1-2 घंटे लगेंगे उनको काम करने में। ये भी दरवाजा खोलो। कौन सा? ये मेन खुला तो है, खुला हुआ मेन खुला हुआ। सो लाइट अभी आ चुकी है, काफी देर बाद आई। और लाइट आने के बाद मैं नहा भी लिया हूँ और अच्छा लग रहा है लाइट आने के बाद। शाम हो गई और अब मैं रेडी हूँ जाने के लिए। लेके आता हूँ मैं अपना मोबाइल और फिर आपसे मिलता हूँ। फिलहाल मैं ढूंढ रहा हूँ चश्मा, तो ऐसा अक्सर होता है कि चीज़ें मेरी खो जाती हैं। देख लो चश्मा, क्योंकि चश्मा पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है ना कि आँख में कुछ लग जाए तो इसलिए चश्मा पहनना होता है। लेकिन चश्मा मुझे मिल नहीं रहा है। क्या है, कहाँ है इला? कहाँ है बता। देखो एक चुटकुला सुनो, जब तुम्हारी बीवी बोले तेरा मेरा मुंह मत खुलवाओ तो समझ जाना तुम्हारे खानदान का सुंदरकांड शुरू होने वाला है। जैसा आपका आया था आज इनका आया है, मैं बच गई। तो फोन हॉस्पिटल से आ गया है, तो हॉस्पिटल से मैं इसका मेडिक्लेम करवाना चाह रहा था लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और मैं अपने फोन को पता है क्या बोलता हूँ, मैं अपने फोन को बोलता हूँ iPhone 25। जब ये टच करता था ना तो कोई मुझे कॉल करता था तो कभी म्यूट पे चला जाता था, कभी होल्ड पे चला जाता था, तो मैं एक ही बात बोलता था, iPhone 25 है भविष्य की टेक्नोलॉजी है और मेरे को टेस्टिंग करने के लिए मिला हुआ है, तो थोड़ी दिक्कतें हैं। सो दिस इज़ फॉर मी, दिस इज़ iPhone 25। और अभी भी ना इस फ़ोन की बैटरी बड़ी शानदार है, बहुत बढ़िया इसकी बैटरी चलती है। और मैं अभी इसको तब तक चलाने वाला हूँ जब तक ये मना नहीं कर देगा कि अब मैं नहीं चलूँगा, तब तक मैं इसको चलाऊँगा। गुगू तो आज सारा दिन नंगू क्यों घूमी कर रहा है, हैं नंगू क्यों है तू? मम्मी को क्या हुआ? मम्मी को, मम्मी को चप्पल लिया का, चप्पल लिया का। फिर अब ये दिखाओ कि मैं ये खुला छोड़ देता हूँ। ये देखो मैं ये गुल्ला छोड़ देता हूँ। देख कुत्ते बिल्ली चिंकी। ओए ये क्या हो रहा है, आगे कुत्ता बिठा रखा है इसने, पीछे चिंकी बिठा रखी है इसने। और ये देखो इसका तमाशा। और ये मैं हेलमेट अभी पहन के गया था। सुनो हाँ, ये मेरे लिए लाए हो? हाँ ये मेरी है, सिर्फ दिखा दो कैमरे में ये मेरी है और कोई यूज नहीं करेगा इसको। हाँ ये निधि पाठक की है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी पाठक ही लगा है। ठीक है
तो मैं ये हेलमेट लेके गया था अभी, ये मेरा पुराना हेलमेट है और ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। अभी डिसाइड ये किया है कि इसको हम मशीन में घुमा देंगे, हेलमेट को मशीन में घुमाएंगे। ये है टाइड और टाइड से मैंने कोई पैसा नहीं लिया है, और ये है हेलमेट। कितना गंद निकल रहा है इसमें से। अंदर से तो हम जा रहे हैं इसको ठीक कराने के लिए, 10-20 रुपए के खर्चे और 150-200 रुपए का रैक लेने, ठीक है ना। अरे बहुत सारे लोग कहते हैं कि GST के पैसों से मजे कर रहा हूँ मैं भाई, 150-200 रुपए तो उनको बता रहा हूँ। देख लो कपड़े भी नहीं है ये देखो। तो कई लोग कहते हैं जीएसटी से मजे ले रहा हूँ मैं, जीएसटी के पैसे मैं खा गया हूँ पर मैं मजे ले रहा हूँ, है ना, कि मैंने लोगों के पैसे मार लिए हैं और मैं मजे ले रहा हूँ उस पैसे से, मैं ऐश कर रहा हूँ, हैं, अपने घर परिवार का सामान लेने जा रहा हूँ तो ऐश कर रहा हूँ। क्या कह रहा है? जूते पहनने हैं, सैंडल पहन लो, सैंडल वो अंदर नहीं जाना ऐसे, देखो मैं आएगा भैया छोटा। अरे 15 अगस्त को क्यों, उसे तो ना पता है 15 अगस्त है आज। ये भी डाक ले, गूगल पील पहन ले, चूड़ी पहन ले। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं ये ले रहा हूँ, और मेरी बीवी ने बोला कि तुम छिछोरे हो, तो मैंने कहा नहीं मैं टुच्चा हूँ, मैं लूंगा, मैं ब्राउन बाल करूंगा। ये हमारी मिक्सी है, GST इंक्लूडेड, GST के पैसे कम कर रहे हैं, देखो देखो। डन हो गया।